अच्छा जी, केमिकल कोऑर्डिनेशन में हमारा जो आज का टॉपिक है, तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारे पास जो केमिकल मैसेंजर होते हैं बॉडी में केमिकल कोऑर्डिनेशन के लिए, उनको हम हॉर्मोन्स कहते हैं। लेकिन हॉर्मोन्स जो हैं इनको रेगुलेटर्स भी कहते हैं, क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन को रेगुलेट करते हैं, या सिंपली हम ये कह सकते हैं कि जितने भी एंजाइमेटिक एक्शन होते हैं उनको ये रेगुलेट करते हैं। रेगुलेट एंजाइमेटिक एक्शंस। अब इंजाइम के साथ इसका एक सिमिलर पॉइंट है, वो ये है कि ये भी इंजाइम की तरह कैन नॉट इनिशिएट द रिएक्शन, ये रिएक्शंस को इनिशिएट नहीं कर सकते। दिस इज सिमिलर टू इंजाइम्स, बिल्कुल इंजाइम की तरह। लेकिन ये ऑलरेडी अकरिंग रिएक्शन को इंक्रीज भी कर सकते हैं और उसको डिक्रीज भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जो ऑलरेडी अकरिंग रिएक्शन है, इंक्रीज और डिक्रीज रिएक्शंस, लेकिन जो इंजाइम होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इंक्रीज करते हैं। इनके अंदर दोनों जो के कैटेगरीज में हमें यहाँ पर मिलेंगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है हॉर्मोन्स के लिए, ये आपने इसमें याद रखना है। अब हमारे पास हॉर्मोन्स की जो केमिकल नेचर है वो इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आ भी चुके हैं वहां से कि बताएं हॉर्मोन्स की केमिकल नेचर क्या होती है। तो मैं केमिकल नेचर साथ लिखूंगा और साथ हम देख लेंगे कि हॉर्मोन जो है वो कौन कौन सी केमिकल नेचर के हमें मिलेंगे। केमिकल नेचर में हॉर्मोन प्रोटीन नेचर के भी होते हैं। प्रोटीन, जो प्रोटीन नेचर के हॉर्मोन है उनमें दो हॉर्मोन जो है बहुत कॉमन है, उसमें इंसुलिन एंड ग्लूकोमन। और ये दोनों के दोनों हॉर्मोन्स होते हैं दैट सेक्रेटेड फ्रॉम द आइल्स ऑफ लेंगर है, यानी कि जो पेंक्रियास का एंडोक्राइन पोर्शन होता है वहां से ये सेक्रेट होते हैं, प्रोटीन नेचर के हैं। इसी तरह से हॉर्मोन की एक टाइप जो है वो पॉलीपेप्टाइड नेचर भी हो सकती है। पॉलीपेप्टाइड नेचर के जो हॉर्मोन बहुत कॉमन है वो ADH यानी एंटी डायूरेटिक हॉर्मोन, या इसके लिए हम एक वर्ड वैसोप्रेसन भी यूज करते हैं। और साथ इसमें एक हॉर्मोन है ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन। अब ये दोनों के दोनों हॉर्मोन, इसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि दैट प्रोड्यूस फ्रॉम हाइपोथैलेमस। ये दो हॉर्मोन है जो डायरेक्ट हाइपोथैलेमस से प्रोड्यूस होते हैं और ये प्राइमरी हॉर्मोन है। इसके अलावा हाइपोथैलेमस बहुत से और केमिकल प्रोड्यूस तो करता है, जिसमें ज्यादातर जो कंपोनेंट हैं वो ऐसे हैं जो कि इनहिबिटिंग फैक्टर या रिलीजिंग फैक्टर्स होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये हॉर्मोन हाइपोथैलेमस से प्रोड्यूस होते हैं। प्रोड्यूस होने के बाद ये दोनों हॉर्मोन जो ADH और ऑक्सीटोसिन है, इनके बारे में अगर हम थोड़ी सी बात कर लें, ये प्रोड्यूस तो हाइपोथैलेमस से होते हैं बट दीज आर स्टोर्ड इन पोस्टीरियर पिट्यूटरी, लेकिन ये पिट्यूटरी ग्लैंड की पोस्टीरियर लोब के अंदर स्टोर हो जाते हैं, या हम कहेंगे कि ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं, रिलीज फ्रॉम द पिट्यूटरी, बट दे एक्चुअली प्रोड्यूस फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। सो दिस इज अनदर टाइप ऑफ द नेचर ऑफ द है, यानी डिफरेंट कैटेगरीज है हॉर्मोन की। एक कैटेगरी हॉर्मोन की जो है वो दैट इज अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स। अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स की जो टाइप है उसमें हमारे पास T3 एंड T4, T4 जिसको थायरोक्सिन कहते हैं, ये हॉर्मोन अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं। और ये हॉर्मोन कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, ये प्रोड्यूस होते हैं थायरॉयड ग्लैंड्स, ये अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स के हॉर्मोन। उसके बाद हॉर्मोन की कैटेगरी है दैट इज कॉल्ड द कैटेकोलामाइन। कैटेकोलामाइन जो हॉर्मोन की कैटेगरी है वो एड्रीनालिन एंड नॉर एड्रीनालिन। अब ये दोनों हॉर्मोन जो कि कैटेकोलामाइन है, ये प्रोड्यूस होते हैं एड्रीनल मेड्यूला से। साथ साथ आपने याद भी रखना है कि कौन सा हॉर्मोन कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है और उसकी नेचर क्या है। उसके अलावा अदर जो नेचर के हॉर्मोन है, अनदर नेचर, दिस इज अ स्टीरॉयड्स, ये स्टीरॉयड नेचर के हैं। स्टीरॉयड नेचर के हॉर्मोन में बहुत कॉमन जो हॉर्मोन है वो एस्ट्रोजन है, टेस्टोस्टेरोन है, इसी तरह से कॉर्टिसोन, ये हॉर्मोन स्टीरॉयड नेचर के। अगर तुम एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन की बात करें तो ये सिंपली प्रोड्यूस होते हैं गोनेड्स से। गोनेड्स में हम जानते हैं ओवरीज और टेस्टिस होते हैं। एस्ट्रोजन जो है ये फीमेल में ओवरी से प्रोड्यूस होता है, और जो टेस्टोस्टेरोन है ये मेल गोनेड जो है वो टेस्टिस से प्रोड्यूस होता है। और जो कॉर्टिसोन होते हैं ये प्रोड्यूस होते हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स से,
आगे चल के हमने डिफरेंट ग्लैंड्स को देखना है कि उसमें से कौन कौन से हॉर्मोन्स हैं वो प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो ये आपने यहाँ पर याद रखना है। अच्छा, ये तो होगी केमिकल नेचर, जो कि हमें हॉर्मोन्स की केमिकल नेचर मिलती है। अब देखिए, जो ग्लैंड्स होती है उसमें हम दो तरह से उनके नेम्स पढ़ते हैं। एक आप ग्लैंड्स को देखते हैं कि वो एक्सोक्राइन वर्ड यूज होता है। एक्सोक्राइन जो होते हैं दे आर द डक्टेड ग्लैंड्स, जैसे ग्लैंड्स में डक्ट होते हैं। और एक वर्ड आपने एंडोक्राइन का सुना होगा, यहाँ हमें मिली एंडोक्राइन की बात करनी है। और ये डक्टलेस होते हैं, इनमें डक्ट्स नहीं होते, और इनके जो सेक्रेशंस होती हैं वो ब्लड से ट्रेवल करती है, ब्लड से टारगेट तक जो है वो पहुंचती है। तो ये भी आपने इसमें याद रखना है, डक्ट और डक्टलेस, जो कि आपको हार्मोन यहाँ पे मिलेंगे। लिपिड नेचर जो है, ये स्टीरॉयड को लिपिड नेचर ही कहते हैं, स्टीरॉयड जो है दे आर लिपिड्स। तो ये इसमें डिफरेंट जो कैटेगरीज है हार्मोन्स की, एक तो आपने ये इसमें याद रखनी है, दूसरा हमने यहाँ पर एक मोड ऑफ एक्शन पढ़ना है हार्मोन का, इनका एक्शन क्या होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये किस तरह से एक्ट करते हैं, और मोड ऑफ हार्मोनल एक्शन आप वर्ड इसके लिए यूज कर सकते हैं। जी, अभी हम देखते हैं कि हार्मोन का मोड ऑफ एक्शन क्या होता है। मोड ऑफ एक्शन में हम दो कैटेगरीज बनाते हैं हार्मोन की। एक हम ये कहते हैं कि जो हार्मोन्स होते हैं वो प्रोटीन नेचर के हार्मोन है, ठीक है, और दूसरे जो हार्मोन होते हैं वो लिपिड नेचर के हैं, लिपिड्स। अब इन दोनों के जो नेचर है हार्मोन की, उनमें क्या फर्क होता है? लेकिन जो प्रोटीन नेचर के हार्मोन होते हैं इनको हम कहते हैं सॉरी वाटर सोल्युबल हार्मोन, और जो लिपिड नेचर के हार्मोन होते हैं इनको सिंपली हम वर्ड यूज करते हैं कि ये लिपिड सोल्युबल हार्मोन होते हैं। अब इन दोनों का मोड ऑफ एक्शन कैसे होता है? अब देखिए, जो लिपिड वाटर सोल्युबल होते हैं दे कैन नॉट पास द सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन को पास नहीं कर सकते, जिसकी वजह से दैट एक्ट्स ऑन द सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ही एक्ट करते हैं, और यहां पर एक सेकंड मैसेंजर काम करता है, और उस सेकंड मैसेंजर को हम कहते हैं CAMP। व्हाट इज CAMP? दिस इज कॉल्ड साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, इसके अंदर CAMP काम करता है। लेकिन जो लिपिड सॉल्युबल हार्मोन होते हैं दे सिंपली क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर देते हैं, और ये एक्ट कहाँ करते हैं? दैट इनसाइड द सेल, सेल के अंदर, कुड बी इन द साइटोप्लाज्म और इनसाइड द न्यूक्लियस, और या भी न्यूक्लियस के अंदर एक्ट कर सकते हैं। यहां पर इनको सेकंड मैसेंजर जो होता है उसकी जरूरत नहीं होती, ये याद रखना। अब मिसाल के तौर पर दो तरह के हार्मोन के एक्शन है यहाँ पर। अब देखिए, यहाँ एक सेल है या न्यूक्लियस है, यहाँ आप जानते हैं साइटोप्लाज्म है या न्यूक्लियोप्लाज्म है। अब अगर ये हार्मोन प्रोटीन नेचर का हार्मोन है, ये है फॉर एग्जाम्पल, मैं ये कहता हूँ कि ये वाला हार्मोन इंसुलिन है। अब ये हार्मोन जो इंसुलिन है इसने आकर टारगेट जो है वो यहां करना है सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। अब जैसे टारगेट यहां करेगा, अब हो सकता है इसका एक्शन जो है वो सेल के अंदर है, लेकिन यहां से ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता। अब ये क्या करेगा, यहां से अंदर से एक सेकेंड मैसेंजर जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा, दिस इज अ सेकेंड मैसेंजर विच इज कॉल्ड CAMP। अब यहां से CAMP आगे जाएगा और ये इसका एक्शन होता है, या तो साइटोप्लाज्म में, या इन केस अगर इसके अलावा इंसुलिन के अलावा कोई हार्मोन है वो न्यूक्लियस के अंदर भी एक्ट कर सकता है। इसका मतलब है कि ये जो प्रोटीन नेचर का हार्मोन होता है वो मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता। लेकिन अगर हम किसी और हार्मोन की बात कर लें, जैसे अगर मैं फॉर एग्जाम्पल बात करूँ एस्ट्रोजन की, एस्ट्रोजन एक लिपिड सोलबल हार्मोन। अब ये लिपिड सोलबल हार्मोन जो है ये कैसे एक्ट करेगा, ये क्या करेगा, ये इस मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएगा, मेम्ब्रेन को क्रॉस कर गया साइटोप्लाज्म के अंदर चला गया, या यहाँ से ये इसको भी क्रॉस करके न्यूक्लियस के अंदर भी जा सकता है। तो इसका मोड ऑफ एक्शन जो है वो डिफरेंट है, क्योंकि ये मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाता है। ये आपने इसके अंदर जो है वो याद रखना है, ये कौन सा हार्मोन कहाँ बाइंड करेगा। ये अगर लिपिड सॉल्युबल हार्मोन है तो उसके लिए जो रिसेप्टर्स होंगे दे आर लोकेटेड इन द साइटोप्लाज्म और इन द न्यूक्लियस, लेकिन जो वाटर सॉल्युबल हार्मोन है उनके जो रिसेप्टर्स होंगे दे आर लोकेटेड ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो कि यहाँ मैं लिख भी देता हूँ कि इसके अंदर जो रिसेप्टर्स हैं फॉर दिस हॉर्मोन दैट इज ऑन
प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इस केस के अंदर जो रिसेप्टर्स होते हैं दैट इज इन साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस या न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। तो ये आपने इसमें याद रखना है कि कौन कौन से हार्मोन जो हैं किस कैटेगरी के अंदर जो है वो आते हैं। अच्छा, कुछ हम यहाँ एक्सेप्शनल केस जो है वो डिस्कस करेंगे मिसाल के तौर पे। एक मैं यहाँ ले रहा हूँ थायराइड हार्मोन। अब जो थायराइड हार्मोन है इसकी नेचर तो हमने देखा है कि ये अमाइन एसिड डेरिवेटिव है, लेकिन ये हार्मोन दे क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये एक्ट करते हैं लाइक लिपिड सोलुबल हार्मोन, लिपिड सोलुबल हार्मोन की तरह एक्ट करते हैं। तो ये सवाल आ सकता है कि कौन से हार्मोन है जो के टेक्निकली अगर देखें तो वो अमाइन एसिड डेरिवेटिव है, यानी प्रोटीन के सब यूनिट के तौर पे काम करें जिस तरह से अमाइन एसिड जो हम जानते हैं प्रोटीन बनाता है, लेकिन उनका एक्शन जो होगा वो लिपिड सॉल्युबल हॉर्मोन्स की तरह का होगा। तो ये आपने इसके अंदर जो है वो याद रखना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक्शन है जो कि हमने इसमें देखना है। अब देखें यहाँ पर जो कि हमने इससे पहले ग्लैंड्स की बात की है, थोड़ा सा यहाँ पर मजीद एडिशन कर दें। एक्सोक्राइन एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन डक्ट लेस ग्लैंड, इनको जो है वो एक्सोक्राइन को डक्टेड ग्लैंड कहते हैं और एंडोक्राइन को हम डक्ट लेस ग्लैंड कहते हैं। अब हम मजीद इसके अंदर एक दो पॉइंट ऐड कर लें। देखिए जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती हैं इसमें ज्यादातर इंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं, सक्रीशन जो है इसकी इंजाइम्स या म्यूकस हो सकती है, जैसा कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सी जगहों पर म्यूकस आता है। जो एंडोक्राइन होती है स्पेसिफिकली इसकी जो सक्रीशन है उनको हॉर्मोन्स कहते हैं, यानी हम कहेंगे कि जो एक्सोक्राइन होती है उसकी सक्रीशन हॉर्मोन ही होती है टेक्निकली, और वो ग्लैंड जो है वो इंजाइम्स या म्यूकस हो सकते हैं, लेकिन एंडोक्राइन जो है वो हॉर्मोन्स होते हैं। ठीक है, अब इनका जो टारगेट होता है, इसका मतलब है ये टारगेट तक पहुंचती हैं डक्ट के जरिए बाय डक्ट्स। और ये कैसे टारगेट तक पहुंचते हैं, डक्ट तो है नहीं, ये ब्लड से पहुंचते हैं, ब्लड से ये टारगेट तक पहुंच जाते हैं। ठीक हो गया। अब इसमें फॉर एग्जांपल हम एक्सोक्राइन की बात कर लें, तो एक्सोक्राइन कौन कौन से एक्सोक्राइन, लाइक लाइक जो सैलिवरी ग्लैंड्स हैं सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं, ये एक्सोक्राइन जितनी भी सलाइवा की प्रोडक्शन हो रही है वो डक्ट के जरिए हो रही है। इसी तरह से हम ले सकते हैं कि जो स्वेट ग्लैंड है जो स्वेट प्रोड्यूस कर रहे हैं वो हमारे पास एक्सोक्राइन, वो भी जो प्रोडक्शन है वो डक्ट के जरिए होती है। एंडोक्राइन में बहुत सारी ग्लैंड हैं जैसा कि एड्रिनल ग्लैंड है, एंडोक्राइन है, फिर इस तरह से पिट्यूटरी है, क्योंकि इनके जो हार्मोन प्रोडक्शन होनी है वो ब्लड से मूव करके जाती है टारगेट तक। ये सारे के सारे ग्लैंड जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं। तो याद रखना है एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन में भी डिफरेंस मिलता है। ओके, हमारे पास जो हम मेन सिस्टम डिस्कस कर रहे हैं वो हमारे पास एंडोक्राइन का काम है। पेंक्रियाज जो है वो भी एक्सोक्राइन ही एक्शन देता है क्योंकि उसके अंदर भी डक्ट ग्लैंड के अंदर ही आता है पेंक्रियाज, और इस तरह के बहुत सारे हैं, मैंने कुछ एग्जांपल आपको दिए हैं, जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपके जहन में आएगा। अब लेकिन पेंक्रियास का जो पार्ट हॉर्मोन प्रोड्यूस करता है वो है आइल्स ऑफ लैंगर है, हम पहले बात कर चुके हैं, जो इंसुलिन और ग्लूकागन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, उसके दो पार्ट है, वो एक्सोक्राइन के तौर पर भी काम कर रही है, एंडोक्राइन के तौर पर भी काम कर रही है। पेंक्रियास को हम डबल ग्लैंड कहते हैं, आगे डिटेल के अंदर हम इस पर बात करें। जी, तो हम आ जाते हैं एंडोक्राइन सिस्टम जो कि ग्लैंड्स का सिस्टम। अब एंडोक्राइन सिस्टम में पहले तो आपने याद रखना है कि जो ग्लैंड्स हैं, ग्लैंड्स हमारे बॉडी के अंदर स्पेसिफिक टिश्यूज होते हैं और जो के सक्रीशंस प्रोड्यूस करते हैं, यानी टिश्यूज हैं और ये सक्रीशन प्रोड्यूस करते हैं। और साथ आप ये भी जानते हैं कि ग्लैंड्स जो हैं ये अफेक्टर्स भी हैं, अफेक्टर्स जिन्होंने कोऑर्डिनेशन जो है वो अचीव करनी है सेक्रीशंस प्रोड्यूस करके। और हमारी बॉडी के अंदर तकरीबन 20 टाइप्स की ग्लैंड्स बहुत ज्यादा कॉमन है, ह्यूमन बॉडी में 20 टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स हैं, जिनमें से कुछ को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और कुछ में हम सिंपली उनके हॉर्मोन जो हैं वो देखेंगे कौन कौन से हैं। अब ये जो हमारे पास ग्लैंड्स होती हैं इनमें जो गॉल्जी कॉम्प्लेक्स होते हैं वो ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। अब देखें एक सेंस बनती है कि जितने भी ग्लैंड्स हैं जो कि सेक्रीशन
ट्वेंटी वही टाइप्स आप कह सकते हैं, 20 डिफरेंट टाइप्स हैं एंजाइम्स इसके अंदर ग्लैंड्स के। अब गॉल्जी कॉम्प्लेक्स दे आर कंसर्न्ड विद द सेक्रेशन, वी नो दैट। तो इनके अंदर सेक्रेशन जो है वो ज्यादा प्रोड्यूस ग्लैंड्स कर रहे हैं, इसका मतलब है दे आर रिच इन द गॉल्जी कॉम्प्लेक्स। अब हम ये देखेंगे कि हमारी बॉडी में ग्लैंड्स को जो कंट्रोल करता है, जो कि एक नर्वस सिस्टम का पार्ट है, सबसे पहले हम उस पर बात कर लेते हैं। ब्रेन का पार्ट है हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस का जो रोल है वो इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है। वी नो दैट द हाइपोथैलेमस इज अ पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, फोर ब्रेन का पार्ट है, और इसको हम मास्टर कंट्रोल सेंटर भी कहते हैं। मास्टर कंट्रोल सेंटर, जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं वो यहां से प्रोड्यूस होती है, या हम ये कह सकते हैं कि जो हाइपोथैलेमस है दैट कन्वर्ट सेंसरी स्टिमुलाई इनटू हार्मोनल रिस्पॉन्स। जितने भी सेंसरी स्टिमुलस होते हैं उनको हार्मोनल रिस्पॉन्स के अंदर ये कन्वर्ट करता है। इसके अंदर स्पेसिफिकली न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स होते हैं, न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स। इसके अलावा हाइपोथैलेमस रिलीजिंग और इनहिबिटरी फैक्टर्स प्रोड्यूस करता है, रिलीजिंग और इनहिबिटरी फैक्टर, या हम इनको हॉर्मोन भी कह सकते हैं। और इसके अलावा दैट ऑल्सो प्रोड्यूस द प्राइमरी हॉर्मोन एज वेल। और आपको बताया है कि एडीएच और ऑक्सीटोसिन ये दोनों के दोनों ऐसे प्राइमरी हॉर्मोन है दैट प्रोड्यूस फ्रॉम द हाइपोथैलेमस, ये हाइपोथैलेमस से प्रोड्यूस होते हैं। अब हम यहां पर देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे रिलीजिंग या इनहिबिटिंग हॉर्मोन्स हैं जो कि हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस कर रहा है। अब मिसाल के तौर पे मैं यहां पर रिलीजिंग और इनहिबिटिंग, इनको हॉर्मोन्स भी कह सकते हैं, या हम सिंपली इनके लिए वर्ड फैक्टर्स भी यूज करते हैं। अब एक है GHRF, ये हाइपोथैलेमस से प्रोड्यूस होता है, और हाइपोथैलेमस जब भी प्रोड्यूस होगा, अब ये है क्या GHRF, इट स्टैंड्स फॉर ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर, और ये प्रोड्यूस होता है हाइपोथैलेमस, और ये स्पेसिफिकली आगे एक्ट करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड पे, उस पर हम आगे बात करेंगे। इसी तरह से एक है सोमैटोस्टैटिन, ये भी हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस होता है। अब ये क्या करता है सोमैटोस्टैटिन, ये इनहिबिट करता है ग्रोथ हार्मोन को, यानी ग्रोथ को रोकने का काम करता है, उस हार्मोन को इनहिबिट करता है। इसी तरह से एक है TRF, TRF जो है दैट इज द थायरोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर, थायरोट्रोफिक रिलीजिंग फैक्टर, ये थायराइड सेक्रेटिंग जो स्टिमुलेटिंग हार्मोन है उसके लिए करेगा। इसी तरह से एक जो है वो है CRF, कॉर्टिकोट्रोफिक रिलीजिंग फैक्टर, ये आगे चल के जो कि एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन है उसको प्रोड्यूस करेगा। एक यहां पर है PIF या PIH, दिस इज प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर, याद रख लें ये इनहिबिटिंग फैक्टर, ये रिलीजिंग नहीं, ये भी हाइपोथैलेमस से प्रोड्यूस हो रहा है। इसके अलावा हाइपोथैलेमस से ही प्रोड्यूस हो रहा है GnRH, GnRH स्टैंड्स फॉर गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, ये सारे हार्मोन जो है वो हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस कर रहा है। तो याद रखना है कि कौन कौन से जो हार्मोन्स हैं या फैक्टर जो हैं वो यहां से हाइपोथैलेमस से प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब हमने इनका एक एक्शन, ये प्रोड्यूस कहाँ से हो रहे हैं और ये एक्ट कहाँ पर कर रहे हैं। अब ये ज्यादातर जो हार्मोन है जो कि यहां से प्रोड्यूस हो रहे हैं, इनका जो एक्शन होता है, एक्शन ऑफ ऑन सॉरी एक्शन ऑन एंटीरियर पिट्यूटरी। तो ये याद रखना है कि इनका जो एक्शन होता है वो एंटीरियर पिट्यूटरी पर होता है।
और जब एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करते हैं तो एंटीरियर पिट्यूटरी से आगे सेक्रेशन प्रोड्यूस होती है, तो ज्यादातर एंटीरियर पिट्यूटरी से जो आगे सेक्रेशन प्रोड्यूस होती है उनको ट्रॉफिक हार्मोन और ट्रॉफिक हार्मोन्स कहते हैं। और जो ट्रॉफिक या ट्रॉफिक हार्मोन्स होते हैं ये फर्दर आगे जाके एक्ट करते हैं अदर ग्लैंड्स पर, अदर ग्लैंड्स में, और वो जो अदर ग्लैंड्स होती हैं फिर वो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं जिनको हम कहते हैं प्राइमरी हार्मोन्स। तो इसका मतलब ये तीन कैटेगरी याद रखें, देखिए कि प्राइमरी हार्मोन मैंने कहा और एक मैं कह रहा हूँ ट्रॉफिक हार्मोन, और एक जो होता है वो होता है रिलीजिंग और इनिबिटिंग हार्मोन्स या फैक्टर। अब ये तीन चीजें मिसाल के तौर पर अगर पूछ लिया जाए कि रिलीजिंग और इनिबिटिंग हार्मोन कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, हाइपोथैलेमस। ट्रॉफिक हार्मोन कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, ट्रॉफिक हार्मोन जो होते हैं वो एंटीरियर पिट्यूटरी से प्रोड्यूस होते हैं। और ट्रॉफिक हार्मोन होते कौन से, ट्रॉफिक हार्मोन वो हार्मोन होते हैं जो कि अदर ग्लैंड्स पर एक्ट करते हैं, और इस वजह से इसका मतलब ये होगा कि एंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो अदर ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है। दैट्स व्हाई द एंटीरियर पिट्यूटरी इज आल्सो कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड, ये भी याद रखें, मास्टर ग्लैंड कहते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी को। और आगे चल के हमने सारे एक्शन देखते हैं। मिसाल के तौर पर मैं एक एक्शन से आपको यहाँ बता दूं कि रिलीजिंग फैक्टर है। मैं ये कहता हूं कि एक रिलीजिंग फैक्टर है और वो रिलीजिंग फैक्टर हमारे पास है थायराइड रिलीजिंग फैक्टर। मैं इसको लेके एग्जांपल लेके थोड़ा सा आपको एक दो चीजें बताता हूँ। ये थायराइड रिलीजिंग फैक्टर, अब ये थायराइड रिलीजिंग फैक्टर प्रोड्यूस कहां से हो, हाइपोथैलेमस, और ये एक्ट कहां करेगा, इसने एक्ट करना है एंटीरियर पिट्यूटरी। अब जब एंटीरियर पिट्यूटरी जो एक्ट करेगा तो एंटीरियर पिट्यूटरी से आगे क्या प्रोड्यूस होगा, ट्रॉफिक हार्मोन। अब ट्रॉफिक हार्मोन इसके कहने पे कौन सा ट्रॉफिक हार्मोन प्रोड्यूस होगा, वो है TSH और वो है ट्रॉफिक हार्मोन, दिस इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक ट्रॉफिक हार्मोन है और ये दूसरी ग्लैंड पर एक्ट करेगा, और इसके लिए अदर ग्लैंड कौन सी है, वो है थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, ये इसका मतलब अदर ग्लैंड है। और ये हार्मोन जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी से अगर TSH वो यहाँ आकर थायराइड ग्लैंड पे एक्ट करेगा। अब थायराइड ग्लैंड से फिर आगे प्राइमरी हार्मोन कौन सा प्रोड्यूस होगा, थायराइड ग्लैंड से जो प्राइमरी हार्मोन प्रोड्यूस होगा वो है थायरोक्सिन। ये एक एग्जांपल मैंने आपको दी। अब तीन चीजें आ गई, फॉर एग्जांपल ए बी एंड सी। तो इसमें से आपसे पूछा जाए तो ट्रॉफिक हार्मोन कौन सा है, बी इज अ ट्रॉफिक हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन कौन सा है, ए इज अ रिलीजिंग हार्मोन, और कहां से प्रोड्यूस, हाइपोथैलेमस से। ट्रॉफिक हार्मोन बी कहां से प्रोड्यूस है, पिट्यूटरी से। और प्राइमरी हार्मोन कौन सा है, थायरोक्सिन इज अ प्राइमरी हार्मोन। अब ये पहुंचेगा टारगेट पे, ये टारगेट पे जाएगा जो भी इसका एक्शन है, जैसा आप जानते हैं कि ये मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। तो इस तरह से बहुत सारे जो फैक्टर्स होते हैं वो हाइपोथैलेमस से आते हैं। तो ये इसमें बड़ा अच्छा जी, नेक्स्ट जो है वो हमने अब एक एक करके चीजों को जो डिस्कस करना है, और सबसे पहले हम आ जाते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड में। अब जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये हमने पहले कहा कि इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं, टेक्निकली अगर हम इसको देखें तो इसको हाइपोफाइसिस सेरिब्री कहते हैं, हाइपोफाइसिस सेरिब्री। अब हाइपोफाइसिस सेरिब्री इस वजह से कहते हैं कि ये बिलो द हाइपोथैलेमस, ये हाइपोथैलेमस से नीचे होती है और ये हाइपोथैलेमस के साथ अटैच होती है या ब्रेन के साथ अटैच होती है एक स्टॉक के जरिए, उस स्टॉक को हम इनफंडिबुलम कहते हैं, इनफंडिबुलम विच इज अ स्टॉक, इसके जरिए ब्रेन के साथ अटैच होती है। और इसके तीन लोब हैं, इसमें हमारे पास एंटीरियर लोब है, एक इसमें आ जाती है मीडियन लोब और एक इसके अंदर आ जाती है पोस्टीरियर लोब। ये तीन तरह के हमारे पास लोब्स यहाँ पे आ जाएंगे, लेकिन इसमें से जो एंटीरियर लोब है पहले बात कर चुका हूँ उसको हम मास्टर लोब या मास्टर ग्लैंड कहते हैं। तो ये आपने इसमें याद रखना है। अच्छा जी, एंटीरियर लोब से हार्मोन कौन कौन से प्रोड्यूस होते हैं, अब हम आ जाते हैं हार्मोन पे। एक हार्मोन यहाँ से प्रोड्यूस होता है, दैट इज एसटीएच। एसटीएच जो है ये सोमेटोट्रॉफिन हार्मोन, इसको ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं क्योंकि इसने ग्रोथ को कैरी आउट करता है। अब इसमें एक्शन क्या होता है, देखिए एक्शन ये है कि हमारे पास हाइपोथैलेमस, अब हाइपोथैलेमस से एक रिलीजिंग फैक्टर आएगा जिसको कहते हैं SRF विच इज अ सोमेटोट्रॉफिन रिलीजिंग फैक्टर, और वो एक्ट किस पे करेगा, वो एक्ट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी पे। और जब एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करेगा तो एंटीरियर पिट्यूटरी से प्रोड्यूस होगा एसटीएच, और एसटीएच क्या करेगा, एसटीएच ने ग्रोथ करवाना, ये एक्शन है पूरा इसका, ये ग्रोथ ये किस तरह से प्रोड्यूस होती है। अब जो SRF है जो कि हाइपोथैलेमस से प्रोड्यूस होते हैं, दीज प्रोड्यूस थ्रू आउट द लाइफ, ये पूरी जिंदगी प्रोड्यूस होते रहते हैं थ्रू आउट द लाइफ, लेकिन अब ग्रोथ तो पूरी जिंदगी नहीं होती। तो इसका मतलब ये होता है कि ये ग्रोथ तो करवाते हैं
लेकिन जब ग्रोथ रुक जाती है तो उस के बाद ये प्रोटीन सिंथेसिस करवाते हैं आफ्टर ग्रोथ रिटार्डेड, यानी जैसे ग्रोथ रुक गई तो इनका काम प्रोटीन सिंथेसिस होता है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें फिनोमिना है। अब अगर इसके अंदर हम कुछ अबनॉर्मेलिटीज की बात करें कि कौन कौन सी अबनॉर्मेलिटीज आ सकती हैं अगर इसकी प्रोडक्शन जो है वो कम या ज्यादा हो जाएगी, तो ये भी कुछ डिसऑर्डर्स यहाँ पर हमारे पास आ जाते हैं, उन पे हम बात करते हैं। उसमें सबसे पहले अगर इसकी ओवर सक्रीशन होती है, ज्यादा सक्रीट हो जाता है, तो कंडीशन जो है वो आ जाती है जायजेंटिज्म की। जायजेंटिज्म कहते हैं जिसके अंदर ग्रोथ ज्यादा हो जाती है और इसमें अबनॉर्मल हाइट हो जाती है, हाइट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो ये जायजेंटिज्म की कंडीशन। अगर इसकी प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा हो जाए, और इसकी प्रोडक्शन अगर ज्यादा हो जाए अर्ली एज के अंदर, क्योंकि अर्ली एज में ग्रोथ करवा रहा होता है, तो उस दौरान अगर ओवर सेक्रेशन इसकी लेटर एज के अंदर हो जाए या अडल्ट के अंदर इसकी ओवर सेक्रेशन हो जाए, तो उस दौरान जो कंडीशन डिवेलप होती है उसको हम एक्रोमेगली कहते हैं। अब ये एक्रोमेगली क्या होता है? अब इसके अंदर जो ग्रोथ है उसमें लेंथ की बजाय थिकनेस में ग्रोथ होना शुरू हो जाती है, थिकनेस में ग्रोथ होगी उसमें, तो वो उसकी हाइट बढ़ती है लेकिन यहाँ थिकनेस जो वो होना शुरू हो जाएगी, और इसमें जो कंडीशन डिवेल्प होती है उसमें इनलार्जमेंट शुरू हो जाती है, यानी वो थिक होना शुरू हो जाते हैं। एक तो ये के बोन्स होती हैं उनके अंदर भी प्रॉब्लम आती है, उनमें ग्रोथ नहीं होती लेकिन वो थिक होना शुरू हो जाती है। और कौन कौन से पार्ट जो है वो इनलार्ज करते हैं? इनमें इनलार्जमेंट इसके अंदर हैंड्स में आ जाती है, इसके अलावा फीट जो होते हैं उनमें इनलार्जमेंट आ जाती है, नोज के अंदर, और जो जॉ बोन होती है उसके अंदर इनलार्जमेंट आ जाती है। तो ये पार्ट जो है वो इनलार्ज करना शुरू कर देते हैं, इसको एक्रोमेगेली की कहते हैं कंडीशन के। अगर अंडर सेक्रेशन हो जाए, यानी ये हार्मोन की प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाए, तो इसके रिजल्ट में जो कंडीशन डेवलप होती है उसको ड्वार्फिज्म कहते हैं। ड्वार्फिज्म में जो हाइट है वो छोटी रह जाती है, इसके अलावा देर इज द लैक ऑफ थायराइड एंड एड्रीनल हॉर्मोन्स, यानी जो थायराइड और एड्रीनल हॉर्मोन्स होते हैं उनकी डेफिशिएंसी भी हो जाती है। तो ये कंडीशन आपने इसमें याद रखनी है, जो कि एक हार्मोन है थायराइड, सॉरी सोमेटोट्रोफिन हार्मोन। उसके बाद हम आ जाते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन पे। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसको TSH कहते हैं। TSH, अब इसका भी हम सबसे पहले एक्शन देखेंगे। एक्शन क्या होता है? ये ग्रोथ का आपको बताया कि बोन्स की इनलोगेशन की बजाय वो थिक हो जाती है, इसको हम सिंपली थिकनेस कहते हैं, ग्रोथ इन थिकनेस ऑफ द बोन स्पेशली। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन में इट डिपेंड्स के ब्लड में थायरोक्सिन कितना होता है, थायरोक्सिन इन ब्लड, ये कंडीशन इस पर डिपेंड करती है कि कितना थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस होना है। अब जैसे ही थायरोक्सिन का लेवल जो होता है उसको डिटेक्ट करता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ने जैसे ही थायरोक्सिन का लेवल डिटेक्ट करना है, और अगर वो लेवल कम है तो उसने प्रोड्यूस करना है थायराइड रिलीजिंग फैक्टर। थायराइड रिलीजिंग फैक्टर ने एक्ट करना है एंटीरियर पिट्यूटरी पे, और एंटीरियर पिट्यूटरी से प्रोड्यूस होना है TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये मैं पहले बता चुका हूँ, TSH जो है ये एक्ट करेगा थायराइड ग्लैंड पे, और थायराइड ग्लैंड जो होगी वो प्रोड्यूस कर देगी थायरोक्सिन और उसका लेवल इंक्रीज कर जाएगा। तो इसका मतलब है कि ब्लड में कितना थायरोक्सिन लेवल है, दैट ऑल कंट्रोल्ड बाय द हाइपोथैलेमस, ये हाइपोथैलेमस ने कंट्रोल करना है। अब जो थायराइड रिलीजिंग फैक्टर है, जैसा कि हमने कहा कि ये भी थ्रू आउट द लाइफ जो है वो प्रोड्यूस होता रहता है, यानी कि जो TRF है, TRF रिलीज थ्रू आउट लाइफ, लेकिन ये TRF जो है वो मैक्सिमम कब होता है? मैक्सिमम प्रोडक्शन इसकी होती है पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि जो बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो रही होती है, ग्रोथ हो रही होती है, उस वक्त इसका लेवल ज्यादा हो जाता है। और इसके अलावा ये डायरेक्टली जो हम जानते हैं कि थायराइड ग्लैंड पर रिएक्ट करेगा
और उसके नंबर को भी इंक्रीज करेगा, और नंबर इंक्रीज करेगा जिससे सेक्रेटरी एक्टिविटी जो है वो रिलीज हो जाएगी। इसका मतलब है कि इसने, हमने देखना है कि डायरेक्ट एक्ट करेगा थायरॉइड ग्लैंड पे और वहां से इंक्रीज कर देगा उसके नंबर, और इसके साथ जो उसकी सेक्रेटरी एक्टिविटीज होती हैं उसको भी इंक्रीज कर देगा। तो ये भी आपने इसके अंदर जो याद रखना है, और थायरॉइड ग्लैंड कैसे काम करेगी उस पर हम आगे चल के बात करेंगे। उसके बाद आ जाता है एक और हार्मोन जो कि एंटी रिपिट्यूटरी से प्रोड्यूस होता है, इसको हम कहते हैं एड्रिनो कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, एड्रिनो कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, इट इज आल्सो कॉल्ड ACTH। अब ACTH जो है ये भी हाइपोथैलेमस के एक्शन से ही प्रोड्यूस हो रहा है एंटी रिपिट्यूटरी से, लेकिन एक्शन कैसे होता है इसके अंदर हम ये देखते हैं। ये क्वेश्चन एंड में मैं लेता हूं, फिर इसमें थोड़ा सा लेक्चर में कंटिन्यूटी का प्रॉब्लम आता है। ग्रोथ जो है वो साफ रख, क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रही, ग्रोथ तो स्टॉप हो गई है इसकी, किससे रिलेशन रिलेटेड है, जरा क्लियर क्वेश्चन किया करें। ओके अच्छा जी, हमारे पास जो एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन है वो कैसे एक्ट करेगा, हम देखते हैं कि इट डिपेंड्स ऑन द स्टीरॉयड लेवल इन ब्लड, ब्लड के अंदर स्टीरॉयड लेवल क्या है वो डिटेक्ट करेगा हाइपोथैलेमस। अब जैसे हाइपोथैलेमस को डिटेक्ट कर लेगा तो हाइपोथैलेमस एक रिलीजिंग फैक्टर प्रोड्यूस कर देगा CRF, कॉर्टिकोट्रोफिक रिलीजिंग फैक्टर, और रिलीजिंग फैक्टर आप जानते हैं कि उसने एक्ट करना होता है एंटी रिपिट्यूटरी, और जब एंटी रिपिट्यूटरी पे एक्ट करेगा तो एंटी रिपिट्यूटरी प्रोड्यूस कर देगी ACTH, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, और ये ACTH जो है क्योंकि एक ट्रॉफिक हार्मोन है सो दैट विल एक्ट ऑन द एड्रिनल ग्लैंड्स, इसे एड्रिनल ग्लैंड्स पे एक्ट करना है, और एड्रिनल ग्लैंड्स पे स्पेशली जो कॉर्टेक्स का पार्ट होता है क्योंकि एड्रिनल ग्लैंड में मेडुला भी और कॉर्टेक्स भी है, इसने कॉर्टेक्स पे एक्ट करना है, और वहां से जो प्राइमरी हार्मोन प्रोड्यूस होने हैं दैट इज कॉल्ड द कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। तो ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं, ये फिर ब्लड के अंदर ज्यादा आ जाते हैं जिससे ये लेवल कंट्रोल होता है। अब कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन जो होता है वो स्टीरॉयड लेवल से ये प्रोड्यूस होता है, कौन सी कंडीशन के अंदर ऐसा होता है कि स्टीरॉयड लेवल की हमें जरूरत होती है, ये स्पेसिफिक कंडीशन जैसा कि कोल्ड के अंदर, हीट के अंदर, कोई पेन की कंडीशन है, फ्राइट की कंडीशन है, इंफेक्शन की कंडीशन है, या किसी तरह का भी कोई स्ट्रेस है, तो उस दौरान जो हमारे पास ये हार्मोन है ये प्रोड्यूस हो जाते हैं। इसका मतलब है कि स्ट्रेस की कंडीशन के अंदर इसे मेनली एक्ट करना है, और एड्रिनल जो फंक्शन होते हैं वो भी स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए होते हैं, तो अगर इसमें कोई डेफिशिएंसी हो जाए या कोई एक्सेस हो जाए तो उसके रिजल्ट में फिर जो एड्रिनल फंक्शन है वो डिस्टर्ब होते हैं। जब एड्रिनल फंक्शन डिस्टर्ब होते हैं तो बॉडी जो स्ट्रेस की कंडीशन है उसको मैनेज नहीं कर सकती, तो ये हार्मोन जो है दैट इज मच मोर इंपॉर्टेंट, तो इसको भी आपने जो है वो याद रखना है जो कि एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन है। तो ये भी एंटीरियर पिट्यूटरी, ये सारे हार्मोन जो होते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी से डिस्कस कर रहे हैं कि कौन कौन से एंटीरियर पिट्यूटरी से प्रोड्यूस हो रहे हैं। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट जो हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज द गोनेडोट्रोफिक हार्मोन, या इसको GHP कहते हैं। अब गोनेडोट्रोफिक हार्मोन तीन तरह के हैं जो एंटी पिट्यूटरी से प्रोड्यूस होते हैं, एक है FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एक है LH लुटेनाइजिंग हार्मोन, और इसी को अगर मेल के अंदर हम देखेंगे LH को तो इसको कहते हैं ICSH इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एक है LTH या LTH को हम प्रोलैक्टिन भी कहते हैं। तो ये जो तीन हार्मोन है वो प्रोड्यूस होते हैं गोनेडोट्रोफिन से, यानी कि सॉरी एंटीरियर पिट्यूटरी से, और ये गोनेडोट्रोफिन हार्मोन है, ये तीनों के नाम एक तो आपने याद रखने। अब इसमें कुछ एक्शन है, मिसाल के तौर पर अगर हम FSH और LH की बात करें तो इनके अंदर एक कॉमन फैक्टर होता है फ्रॉम हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के लिए कॉमन फैक्टर होता है, लेकिन जो LTH या प्रोलैक्टिन है इसके लिए हाइपोथैलेमस से एक इनहिबिटरी फैक्टर आता है फ्रॉम हाइपोथैलेमस, और जो कि हम पढ़ चुके हैं कि PIH जो है ये हाइपोथैलेमस, इसका मतलब है इनके लिए रिलीजिंग फैक्टर आता है, रिलीजिंग फैक्टर, और उनके लिए आता है इनहिबिटरी फैक्टर। तो वो रिलीज किस तरह से होते हैं, प्रोलैक्टिन जो होते हैं वो कंटीन्यूअसली प्रोड्यूस होते रहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से, लेकिन उसको रोकने के लिए जब उसकी जरूरत कम होती है तो वो आता है इनहिबिटिंग फैक्टर जो कि PIH है। अब इसमें कुछ एक्शन हम इनके देख लेते हैं, मिसाल के तौर पर जो प्रोलैक्टिन है
इसका काम क्या होता है, ये मिल्क प्रोडक्शन का काम करता है, मिल्क प्रोडक्शन इन मेमोरी ग्लैंड्स, ये इसका बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। FSH का आप जानते हैं, FSH जो है ये फोलिकल की डेवलपमेंट का काम करता है, और फीमेल में ये ओवरी में फोलिकल की डेवलपमेंट का काम करेगा। इसके अलावा ये इनिशिएट भी करता है सेक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन, ये भी इसका बहुत कॉमन फंक्शन है कि एस्ट्रोजन की जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज कर देगा। अब इसके साथ साथ अगर हम मेल के अंदर देखें, ये तो फीमेल में एक्शन है इसके, इसके मेल के अंदर भी रोल होता है, सिर्फ ये नहीं आपने समझना है कि ये फॉलिकल डेवलपमेंट है तो सिर्फ ये फीमेल के अंदर रोल प्ले करता है, बल्कि मेल के अंदर इसका काम क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ टेस्टिस, टेस्टिस की जर्मिनल एपिथेलियम की डेवलपमेंट करता है, और जो स्पर्म प्रोडक्शन का प्रोसेस है उसके अंदर भी रोल प्ले करता है, यानी FSH का मेल के अंदर और फीमेल के अंदर दोनों में एक्शन होता है। ये पहले दो जो रोल आपको बताए हैं ये फीमेल में है, और नीचे आपको जो रोल बताया वो मेल के अंदर है। ये प्लीज माय जो इसका बोर्ड है इसको यूज मत करें। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं LH पे। अब LH का भी फीमेल में भी रोल है और मेल के अंदर रोल भी होता है। फीमेल में दैट इंड्यूस ओवुलेशन। अब ओवुलेशन क्या होता है, ये एग को रिलीज करवाते हैं ओवरी से, फॉलिकल से जो एग रिलीज करवाने का काम है ये LH का रोल होता है। अब मेल के अंदर, जैसे मैंने कहा कि इसको ICSH कहते हैं, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो ये क्या करते हैं, ये एक्ट करते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ टेस्टिस, मेल के अंदर टेस्टिस के इंटरस्टिशियल सेल्स पे एक्ट करते हैं और सिग्नल देते हैं उनको, टेस्टिस को, कि वो एक हार्मोन प्रोड्यूस करें विच इज द टेस्टोस्टीरोन। तो टेस्टोस्टीरोन जो हार्मोन प्रोड्यूस होता है वो LH के कहने पे रिलीज होता है, या आप ये कह सकते हैं कि ये LH जो होता है वो स्टिमुलेट करता है टेस्टोस्टीरोन की प्रोडक्शन के लिए। इसके अलावा हमारे पास कुछ ऐसे काम भी हैं जो ये मिलके करते हैं। अब हम वो एक्शन देख लेते हैं कि कौन कौन से काम जो है ये मिलके करते हैं जिनको हम साइनर्जिस्टिक रोल कहते हैं, साइनर्जिस्टिक रोल। अब साइनर्जिस्टिक रोल में LH और FSH ये मिल के जो एक्शन परफॉर्म करते हैं, तो ये स्टिमुलेट करते हैं एस्ट्रोजन प्रोडक्शन, एस्ट्रोजन प्रोडक्शन जो है उसको स्टिमुलेट करते हैं, और इसके जब एस्ट्रोजन प्रोडक्शन स्टिमुलेट होती है तो मेच्योर फॉलिकल जो है वो रप्चर्ड होकर उसमें से एग रिलीज होता है जिसको हम ओवुलेशन कहते हैं। इसके अलावा जो LH और LTH ये दोनों भी मिलके रोल प्ले करते हैं, और ये मिलके क्या काम करते हैं, दे मेंटेन कॉर्पस ल्यूटियम, ये कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करते हैं, और कॉर्पस ल्यूटियम जो आप जानते हैं कि ये एक रप्चर्ड फोलिकल को कहते हैं, जो फोलिकल रप्चर्ड हो जाता है तो उसको हम कहते हैं, और ये रप्चर्ड फोलिकल जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये फिर से एक हार्मोन प्रोड्यूस शुरू कर देता है करना, जिसको हम प्रोजेस्टेरोन कहते हैं। तो प्रोजेस्टेरोन जो है वो यहाँ से प्रोड्यूस होता है। तो ये सारे एक्शन जो है वो एंटी रप्चुटरी के, और ये किस तरह से काम कर रही है, इनके अंदर सारे हार्मोन जो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए। अच्छा, उसके बाद मीडियन पिट्यूटरी से भी कुछ हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं, मीडियन पिट्यूटरी निकालते तीन लोब से, यहां से प्रोड्यूस होता है MSH, मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन यहां से प्रोड्यूस होता है, और इसको इनहिबिट करवाता है हाइपोथैलेमस से एक फैक्टर आता है जो कि मीडियम ट्यूटरी फैक्टर है, उसको कहते हैं MIH, और MIH जो है दैट विल इनहिबिट MSH। लेकिन फिर MSH जो है उसको चलाता कौन है,
इंक्रीज कौन करता है? वो है एक्सटर्नल लाइट। एक्सटर्नल लाइट जो होती है दैट स्टिमुलेट एमएसएच, ये इसको स्टिमुलेट करता है। अब इसके अंदर जो एमएसएच है इसकी सेक्रीशन जो है वो कम ज्यादा होती है। एमएसएच जो है अगर ये इंक्रीज कर जाए, इसकी सेक्रीशन जैसे ही इंक्रीज होती है तो डार्कनिंग ऑफ स्किन होती है, क्योंकि ये स्किन के अंदर जो मेलेनोसाइट्स होता है उसको ज्यादा प्रोड्यूस करवाता है। और मेलेनोसाइट एक ब्राउन पिगमेंट होता है, और सॉरी जो मेलेनोसाइट्स है वो सेल है स्किन के अंदर जो कि एक मेलेनिन पिगमेंट प्रोड्यूस करवाते हैं। मिसाल के तौर पर ये एमएसएच है, एमएसएच क्या करेंगे, ये एक्ट करेंगे मेलेनोसाइट्स पे जो कि स्किन के अंदर स्पेसिफिक सेल्स हैं, और यहां से प्रोड्यूस होगा मेलेनिन, और मेलेनिन जो है ये एक ब्राउन पिगमेंट है। कंडीशन जिसके अंदर स्किन डार्क होती है, एक डिजीज भी होती है, और वो डिजीज जो है वो एडिसन्स की डिजीज है, इसमें भी स्किन डार्कनिंग होती है, और प्रेगनेंसी के दौरान भी ये हार्मोन जो है वो ज्यादा प्रोड्यूस होता है। तो ये आपने इसके अंदर जो है वो याद रखना है कि कौन कौन से हार्मोन यहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं। बाकी जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है उससे हम पहले ही बात कर चुके हैं कि जो हार्मोन यहाँ रिलीज होते हैं वो एडीएच और ऑक्सीटोसिन, ये दो हार्मोन। अब एडीएच और ऑक्सीटोसिन का एक्शन क्या होता है? एडीएच जो है ये वाटर कंजर्वेशन में काम करते हैं, और हम देखेंगे आगे चल के ये किडनी पर एक्ट करेंगे और वाटर को कंजर्व करने के अंदर काम करते हैं। और ऑक्सीटोसिन जो होता है, ऑक्सीटोसिन का काम मिल्क इजेक्शन होता है, मिल्क इजेक्शन मेमोरी ग्लैंड से, और ये मेमोरी ग्लैंड पर एक्ट करते हैं। लेकिन ये दोनों हार्मोन जो होते हैं वो एक्चुअली हाइपोथैलेमस के अंदर प्रोड्यूस हुए हैं, तो ये आपने इसके अंदर जो है वो याद रखना है। अब जो दोनों हार्मोन है, जैसा कि हमने देखा कि एडीएच और ऑक्सीटोसिन, इनके मल्टीपल फंक्शन हैं, उन पर भी हम बात करेंगे। टारगेट इसका कहाँ पर है उस पर हम बात करेंगे, यहाँ से सवाल जो है वो आ सकते हैं। अब है तो दोनों की केमिकल नेचर तो हम बात कर चुके हैं कि ये पॉलीपेप्टाइड नेचर के होते हैं। अब इन दोनों के लिए जो स्टिमुलस है, कब एडीएच प्रोड्यूस होगा? एडीएच प्रोड्यूस होता है जब ब्लड प्रेशर जो होता है वो कम हो जाता है, या डिहाइड्रेशन की कंडीशन होती है, पानी की कमी हो जाती है, या लो ब्लड वॉल्यूम, जो ब्लड वॉल्यूम है वो कम हो जाए, तो ये ऐसे स्टिमुलेंट हैं जो कि एडीएच को प्रोड्यूस करवाने में काम करते हैं। अब टारगेट इसका कहाँ पे होता है ये भी पूछा जा सकते हैं, तो आपने बताना है कि इसका टारगेट जो है वो नेफ्रॉन किडनी के अंदर टारगेट करते हैं, जहां से ये वाटर को रीअब्सॉर्ब करते हैं। और फंक्शन मैंने आपको बता दिया, ये इसका फंक्शन है कि ये वाटर को रीअब्सॉर्ब करवाने का काम करता है। अब अगर इसके कंडीशन में प्रॉब्लम आ जाता है, फॉर एग्जांपल ज्यादा प्रोडक्शन इसकी हो जाती है, ओवर प्रोडक्शन, ओवर प्रोडक्शन के अंदर ये किडनी प्रॉब्लम्स की तरफ जाएगी कंडीशन, बहुत सी किडनी प्रॉब्लम्स जो है वो आ सकती हैं। स्पेसिफिकली एक बड़ी कॉमन या आप कह सकते हैं कि प्रोमिनेंट कंडीशन है जो कि अंडर सेक्रीशन की वजह से आती है, वो है डायबिटीज इंसिपिडस। अगर ये प्रोड्यूस ना हो तो बॉडी में से बहुत सारा वाटर बॉडी से बाहर चला जाता है और डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस होना शुरू होता है, जिसमें ग्रेट थर्स्ट की कंडीशन डेवलप हो जाती है, तो वो इसी वजह से आपको मिलता है, यानी कि एडीएच की वजह से मिलता है। अब यहां पर एक तो इसका एक्शन आपको बता दिया कि मिल्क इजेक्शन होता है, और दूसरा जो ऑक्सीटोसिन का एक्शन होता है वो चाइल्ड बर्थ में ये लेबर को भी इंड्यूस करता है, इंड्यूस लेबर चाइल्ड बर्थ के तरह। और जब ये लेबर इंड्यूस होता है चाइल्ड बर्थ में, तो इसका एक्शन कहां पर होता है? दैट एक्ट्स ऑन द यूट्रस, इसका मतलब यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन कॉज करवाते हैं। और जब मिल्क इजेक्शन होती है तो हम जानते हैं कि इसका एक्शन मेमरी ग्लैंड्स पे होता है। लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट वहां पर ये है जो इसके याद रखने वाला है, वो ये कि ये एक पॉजिटिव फीडबैक के जरिए काम करता है। आगे चल के हम बात करेंगे कि ज्यादातर हॉर्मोन्स होते हैं वो नेगेटिव फीडबैक पे चलते हैं, लेकिन ये पॉजिटिव फीडबैक पे चलता है, यानी ये फर्दर जैसे जैसे प्रोड्यूस होता रहता है यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन भी बढ़ती है और मिल्क इजेक्शन भी बढ़ती रहती है। तो ये हॉर्मोन जो है वो ऑक्सीटोसिन का हॉर्मोन
जो के जो आपको चीजें बता दी हैं इसके अंदर आपने याद रखना है। इसके अलावा ऑक्सीटोसिन का कुछ रोल जो है वो मेल के अंदर भी होता है, ये भी साथ आपने ऐड कर लेना। इन मेल्स स्पेसिफिकली अगर मेल्स के अंदर देखें, दिस हार्मोन विल हेल्प टू इजेक्ट सीमन ड्यूरिंग कॉपुलेशन, यानी कि जो सेक्सुअल प्रोसेस है, मेटिंग का प्रोसेस है, उस दौरान जो सीमन की इजेक्शन होती है उसके अंदर ऑक्सीटोसिन का रोल होता है। तो ये भी इसमें एक एडिशनली आपने रोल याद रख लेना है। तो ये हार्मोन जो प्रोड्यूस होता है, ये प्रोड्यूस होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। तो पिट्यूटरी ग्लैंड बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें से डिफरेंट हार्मोन से वो प्रोड्यूस होते हैं। तो इसको आपने जो है वो अच्छे से लर्न कर लेना है। तो कल हम यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे और अदर जो ग्लैंड्स हैं उनको कल के लेक्चर में कवर करेंगे। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं।